कर्णाटक रे दुई दिन रे भांगी गला बीजेपी सरकार संख्या गरिष्ठता प्रमाण करिन पारी मुख्यमंत्री पदर इस्तफा देले बीएस येदुरप्पा कर्णाटक स्थिति नै सांबादिक सम्मेलन रे कांग्रेस उपरे बरसी छंती बीजेपी सभापति अमित शाह से कहिछंती कर्णाटक रो जनादेश कांग्रेस विरोध रे कांग्रेस जेडीएस मेंट अपवित्र कांग्रेस रो अधिकांश मंत्री निर्वाचन हारिथिया बेले दल काही कि विजय उत्सव पालन करूछि बोली शाह प्रश्न करिछंती बीजेपी सरकार गठन पई दाबी जणाई नथिले या कर्णाटक लोकों को विरोध रे जाईथांता बोली कहिछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस निजर पराजय को विजय रे परिणत करबा को नुवा उपाय खोजिबारे व्यस्त जहां 2019 से साधारण निर्वाचन ने बीजेपी को सुहाइब बोली अमित शाह कहिछंती पराजय परे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन कमिशन ईवीएम उपरे प्रश्न उठाइबा आरंभ करिछि एपरि कि सुप्रीम कोर्ट रे सुनानी बेले कांग्रेस वकील मिथ्या तथ्य देथिबा अमित शाह कहिछंती कांग्रेस विधायक को अर्थ दे किणिबा उद्यम अभिजोग को शाह सीधा सळख खंडन करिछंती कि ये मैंडेट एंटी कांग्रेस मैंडेट है, इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी भी डायमेंशन से देखे तो नहीं। उनके आधे से ज्यादा मंत्री चुनाव हारे, मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव हारे, दूसरी सीट पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत पाए हैं। ये बताते हैं, ये बताता है कि मैंडेट कांग्रेस विरोधी मैंडेट है, कांग्रेस के शासन के खिलाफ का मैंडेट है। तो क्या फिर से चुनाव कराया जाए? पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में सबसे पहला अधिकार किसी एक दल का अगर सरकार बनाने का बनता है तो सबसे बड़े दल में के रूप में जो उभरे हैं वो पार्टी का बनता है जो कि भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस विधायकों को टंका जाचिबा प्रसंगे बीजेपी सभापति अमित शाह स्पष्टीकरण रखिछंती शाह कहिछंती सुप्रीमकोर्ट रे मामला चलिथिबा बेले एभली खबर प्रचारित होइथिला हेले खबर संपूर्ण मिथ्या बोली से कहिछंती एपरकि कांग्रेस नेता माने एभली खबर फेक बोली मानिथिबा सांबादिक सम्मेलन रे शाह उल्लेख करिछंती। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उस वक्त अचानक एक खबर आती है कि कोई विधायक के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता का फोन पहुंचा है, करोड़ों रुपया की ऑफर की गई है और उनको मंत्री पद भी ऑफर किया है, परंतु आज कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया है कि वो खबर फर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट के केस को प्रभावित करने के लिए एक खबर को गलत तरीके से उकसाया गया था। अन्यपटे बीजेपी सभापति अमित शाह सांबादिक सम्मेलन को नहीं प्रतिक्रिया रखी कांग्रेस कांग्रेस नेता आनंद शर्मा सांबादिक सम्मेलन में कहते कांग्रेस विधायक को किणवाई बीजेपी 4000 कोटी टंका रखी हेले विफल होवर येदियुरप्पा इस्तफा देवा पड़ा। कोई संवेदनशीलता होती नरेन्द्र मोदी जी बीजेपी के नेतृत्व में तो कर्नाटक के मतदाताओं से और भारत के लोगों से माफी मांगते कि हमने इस तरह का काम किया है। वो किस चीज का प्रवचन दे रहे हैं? मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा कि एमएलए होटल में थे वरना नतीजा कुछ और हो जाता। सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया, टेलीफोन पे ये भूल गए, ये सत्ता और अहंकार में बह गए। कर्णाटक रे कांग्रेस समर्थन रे सरकार गठन करने को जाउथिबा जेडीएस नेता एसडी कुमार स्वामी दिल्ली रे पहुंचंती कांग्रेस सभापति राहुल गांधी और सोनिया गांधी को साक्षात करिछंती कुमार स्वामी 23 तारीख रो शपथ ग्रहण उत्सव रे जोग देबा पई आमंत्रण करिछंती कुमार स्वामी सेमाने कुमार स्वामी को निमंत्रण स्वीकार करिछंती अधिक आलोचना परे ही नुआ मंत्रिमंडल रो रूपरेख चूड़ांत हेबो। कर्णाटक कांग्रेस दायित्व रे थिबा वेणुगोपाल और कुमार स्वामी को बैठक रे दुई डेप्युटी सीएम बाचस्पति पद बंटन बाबद रे आलोचना परे ही चूड़ांत निष्पत्ति हेबो। मुख्यमंत्री भाबे कुमार स्वामी एका शपथ नेबे ना अन्य किछि मंत्री शपथ नेबे ताहा उपरे आज हेबाकु थिबा बैठक रे निष्पत्ति नै आजिबो। आज बेंगलुरु रे एनै एक बैठक बसिबार अछि। परवर्ती खबर को आसीबा जेल रे 46 निर्दोष शिशु 45 कैदी मां को सह ओडिसा विभिन्न जेल रे रहउछन्ति 46 जन निर्दोष जे शिशु को पई जेल रे कोनोसी सुविधा मध्ये उपलब्ध करा जाय नाही निज आडू घटना को गुरुतर सह नैछन्ति जातीय मानवाधिकार कमिशन बा एनएचआरसी एने सब राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल को एनएचआरसी को पक्षरु नोटिस जारी होईछि एपरिके जेल रे शिशु को पई कोन सब सुविधा करा जायछि तार मध्ये रिपोर्ट तलब करिछन्ति कमिशन
राज्य में 9 जन दोषी और 36 विचाराधीन मां पाखे रोच 46 जन शिशु जो बयस एक मस रु 6 वर्ष मध्य 46 शिशु 25 झील और 21 पु प्रधानमंत्री कटक गस्त कार्यक्रम को नहीं राज्य राजनीति सरगरम गोटे पटे मोदी गस्त को नहीं उत्साहित बीजेपी क्यांप आज जो मोदी सभार कार्यक्रम रही भूमिपूजा एपटे पीसी सभापति मोदी उद्देश्य चारि प्रश्न पचारि बीजेपी को अड़ुआ पकड़ चेष्टा कर बीजेडी मोदी गस्तर कौन प्रभाव पड़े ना बीजेपी क्यांप्रे उत्साह बालीयात्रा पड़िया चली भूमिपूजा जोग देछन्ते दलर नेता एवं कर्मी आसंता 26 तारीख रे बालीयात्रा पड़िया रे जनसाधारण को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार को 4 वर्ष रे ओडिसा कोन पाइछि तार हिसाब देबे मोदी ता सहित केंद्र सरकार को विभिन्न योजना संपर्क रे भी कहि पारंति प्रधानमंत्री बालीयात्रा पड़िया रे प्रस्तुति जोरसो रे चलिछि दलर नेता जाई प्रस्तुति काम तदारक करछन्ते आज कटक शहर वासी नुओ ओडिसा रो वासी आज आनंदित जे आज बालीयात्रा पड़िया को ओडिशा को 4 वर्षर पूर्ति पालन करिया पई माननीय प्रधानमंत्री आसुचंती एवं एइठु ओडिशार विकास धारा आरंभ हबो 2019 को आखिया आगे रखि आमे आज बहुत आनंदित सेपडे मोदी को गस्त को नहीं राजनीति भी जोर धरिछि मोदी को 4टी प्रश्न पचारिछंती प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति निरंजन पटनायक निरंजन प्रश्न करिछंती ओडिशा आसीबा पूर्वरु कलमा बैरेज गेट खोला जीवो कि महानदी उपर मुंड चली निर्माण काम बंद करे कि प्रधानमंत्री ओडिशा पाई स्पेशल पैकेज घोषणा करे कि मोदी सेपटे महानदी प्रसंगे केन्द्र को टार्गेट कर बीजेडी कहिछि कटा घारे चून देवाई ओडिशा आसुचंती मोदी प्रधानमंत्री आसुचंती ओडिशा आम स्वागत करुछु किंतु आसवा आगु कलमा ब्रिज पानीटा टे खोलदेवि कि ओडिशार जो दारिद्र जो बेकारी रही दूर करने ओडिशा पई किछु गोटे स्पेशल पैकेज देबे कि जो माने विभेद राजनीति करती ओडिशावासी तंको ठर किछु आशा करती नहीं आज महानदी को सुखई देई मोदी जी आसुचंती महानदी बाली रे भाषण देबा पई मु कहूची एटा अमर कटाघारे चुन देबा पई बोधे मोदी जी आसुचंती वाजपेयी को 5 वर्ष आ तांकर 4 वर्ष छाड़ देले 70 वर्ष भितरु बाकी समय शासन के करूथला एवं ओडिशार शासन के करूथला तार उत्तर तो से निजे दियंतु आ आज जो कलमा बैरेज कथा कहउचंती भारतीय जनता पार्टी एनडीए तो 4 वर्ष होला आसला तांको समर्थ तो सबु जाक पोलो हिची ब्रिज हिची सेठी से कोन करथले तार उत्तर से दियंतु मोदी को कटक गस्त को नहीं सरगरम राज्य राजनीति ता भीतर आरंभ हो जाई आरोप प्रत्यारोप पर्व भुवनेश्वर शुभलक्ष्मी बल बल महांती कटक रु अजय दास न्यूज 18 ओडिया ओडिशारे ठाबो हैला विरल प्रजातिर कलाबाघ सुंदरगढ़ वनखंड हेमगिरी रेंजर गर्जन पहाड़ संरक्षित जंगल में विरल ब्लाक पांथर बा मेलानेस्टिक लियोपार्ड प्रजातिर कलाबाघ ठाब कला वन विभाग तेरे ओडिशारे विशेषकर सुंदरगढ़ में कलाबाघर संधान मिलवा घटना प्रथम बोली वन विभाग कहिछि बाघ गणना पर लग जा इन्फ्रारेड कैमेरा ठाब हो विरल प्रजातिर बाघों उपस्थिति एने अधिक गवेषणा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एनसीबीएस को तथ्य पठा जा मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक ओडिशा जंगल रे ब्लैक पैंथर बा कला बाघ कलरापतिरिया प्रजातिर ए बाघ को कहा जाउछि ब्लैक पैंथर बा मेलानास्टिक ए बाघ अत्यंत विरल ओ अवलुप्त प्राय एभली विरल बाघर संधान मिलिछि सुंदरगढ़ वनखंड रे सुंदरगढ़ वनखंड हेमगिरी रेंजर गर्जन पहाड़ संरक्षित जंगल रे वन विभाग ठाब कर विरल कला बाघ को मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक कहते बाघ गणना पर लग जा अत्याधुनिक कैमेर कैद हो कला बाघर फटो ओडिशा व्यतीत अन्य 8 राज्य प्रजातिर कला बाघ ठाब होती तेरे हेमगिरी जंगल में संधान होता एक कला बाघ को नहीं वन विभाग अधिक गवेषणा जारी रखी हमारे कैप्चर हुए हैं मेलेगनिस्टिक टाइगर जो बोलते हैं वो ब्लैक टाइगर हैं वो हमारे नंदन कानन में तो यहाँ थे और वहाँ भी हमने इस बार भी देखा हुआ है और उनके कप्स भी देखे हैं इसके लिए भी एक एनसीबीएस है एक नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलोर का तो हमने उनको एक स्टडी भी दी हुई है
और NTCA के थ्रू, तो वो इसका एग्जामिनेशन करेंगे, वो जो ट्रेट आया है, वो एलील हैं, वो किस तरह से हाउ दे आर स्प्रेडिंग और उनका फ्यूचर में हाउ दे आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इट। ओडिशा जंगल रे ब्लैक पैंथर प्रजातिर बाघों को उपस्थिति केवल वन विभाग कहीं परेशवित करी उत्साहित। ओडिशा परिवेश समिति कही सुंदरगढ़ वनखंड में विरल ब्लैक पैंथर उपस्थिति प्रमाणित करुच्छी जे अवलुप्त प्राय प्रजातिर बाघ अन्यान्य जंगली जंतु एठिकार परिवेश बेस उपयोगी। सेठी आंकर संख्या बहुत कम से क्रिटिकाली एंडेंजर्ड बोलिकी कहुच्छे अनेक पदक्षेप ग्रहण विभिन्न देश मानक साइड्स गोटे अच्छी कन्वेंशन ऑन क्रिटिकाली एंडेंजर्ड स्पेसीज द्वारा प्रोटेक्शन दिया। पूर्व 2012 सिमिलीपाल अभयारण्य मेलानिस्टिक टाइगर प्रजातिर कलाबाघों संधान मिलता जहाँ नहीं देशव्यापी होता चर्चा। नंदनकानन प्राणी उद्यान कलाबाघ छुआ जन्म होती एवं सुंदरगढ़ हेमगिरी जंगल में देखाई कलाबाघ। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन पत्यबावन बेहरा मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया। आसंता 24 तारीख पर्यंत राज्य में कालबैशाखीर प्रभाव रहिब। विशेषकर आभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशारे यार प्रभाव रहिब। दिनरे खरा हेले मध्य रातिरे वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। 24 तारीख पर उपकूल और उत्तर ओडिशारे कालबैशाखीर प्रभाव अधिक रहिब बोली पाणिपाग विभाग कहिछि। अधिकांश स्थानरे घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबो। एही समयरे पवन बेग घंटा प्रति 50-70 किलोमीटर बेगरे रहिबार संभावना अछि। तेणु मत्स्यजीवीको सतर्क रहिबा पई कहायछि। अन्यपटे पश्चिम ओडिशारे ताती लागि रहिब। राज्यर विभिन्न स्थानरे बैशाखी और वर्षा कारण तातीर सामान्य आश्वस्ति मिली। 38 डिग्री उपर रही राज्य चारिटी सहर तापमात्रा। मालकानगिरी 39.4 डिग्री तापमात्रा थी बेले बलांगीर 38.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होता। सेपरि सोनपुर 38.2, टिटलागढ़ तापमात्रा 38 डिग्री रही। ओडिशा आड़ जो विंड फ्लो रोचे आज भी दक्षिण पश्चिम जो रोचे किंतु विंड स्पीड कम अछि प्रायः अराउंड 15-20 किलोमीटर पर आवर रोचे और जो सिस्टम इंडिकेट करछि एथरे माने वर्षार संभावना रोचे आउ कालबैशाखी भी रहुच्छे। लास्ट 24 आवर्स ओडिशा अनेक स्थान में भी वर्षा रिपोर्ट आसी आउ नेक्स्ट 24 आवर्स फोरकास्ट हो जो अधिक आलोचना करबा। हम प्रतिनिधि मळय रंजन महांती अछथि हम सहित सीधा सळख। मळय जानिबा को चाहिबो वर्तमान केमिति कोन पाग रहिबो एवं कालबैशाखीर पूर्वानुमान कोन केमिति करूछि आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। देखो सामग्रिक भाव देखिए गतकाल कथ देखिए और गंजाम अंचल किसी स्पेसीफिक अंचल में कालबैशाखी प्रभाव अनुभूत होती सामग्रिक जब देखिए यह टेम्परेचर लग रही है आर्द्रता जो जो आप टेम्परेचर अधिक नए भी आर्द्रता जो गरम अनुभव गुड़गुड़ अनुभव से कथा देखा जाऊँगी ट्रेंडा जारी रही है। और सेकेंड कथ जो कालबैशाखी कथ निश्चित भाव में आभ्यंतरीण अंचल और उपकूल अंचल में व्यापक भाव में कालबैशाखी प्रभाव अनुभूत हो ट्रेंडा जारी रही है। आम आलोचना करूँ आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र किसी अधिकारी सहित से कह कथ यो विलंबित राति जो वर्षा और पवन रहा से जारी रही है ट्रेंड जारी रही है और आभ्यंतरीण उपकूल अंचल ये अधिक अनुभूत हम ए टेम्परेचर जो कथ जो तापमात्रा वृद्धि कथा से अनुभव हम ना कहीं जो 40 प्राय कम रिन्न जगार टेम्परेचर कहीं वर्षा और कालबैशाखी जो यहाँ कम रहा सहित जो आर्द्रता विभिन्न जगह रोच अधिक रोच तार प्रभाव में गुड़गुड़ी अनुभूत हम ए विलंबित राति में कालबैशाखी प्रभाव रही 50-60 किलोमीटर बेगर पवन बहुत विशेषकर आभ्यंतरीण दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशार यह अनुभवटा हम बोली आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र जहाँ टिल नाओ आलोचना करके आलोचना करोचना करते सकू जो अधिकारी कह ट्रेनटा जारी रहा राज्य में कालबैशाखी प्रभाव रही विशेषकर आभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशार कालबैशाखी प्रभाव विशेष भाव अनुभूत हो जहां आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान कर समय सारी।